हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को माध्य माध्यिका और बहुलक बताऊंगा और गजब का ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों अगर आप मेरे बातों पे अगर सही से ध्यान दीजिएगा ना, तो आज से आपको माध्य माध्यिका और बहुलक का क्वेश्चन बनाने में कभी भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं दोस्तों बहुत अच्छा ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं दोस्तों माध्य माध्यिका जिसको माध्यक भी कहते हैं और बहुलक जिसे इंग्लिश में मीन मीडियन और मोड कहा जाता है ना दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले माध्य बताता हूं। तो देखिए अगर माध्य अगर मैं अगर आपको कहूं निकालने के लिए, तो आप समझ लीजिए, देखिए माध्य बोलिए या औसत बोलिए, बात क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपको कोई संख्या अगर दिया है ना, अगर उसका कहेगा माध्य निकाले या औसत निकाले, बात क्या है दोस्तों, बराबर होता है। ये दोनों चाहे माध्य बोले या औसत, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको माध्य कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालते होंगे, जैसे हम मान के चलिए अगर आपको मैं बोलूंगा कि माध्य निकाले 5, 7, 4 है ना, इतना का माध्य निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, यहां पे तो मैं केवल 3 संख्या लिया हूं है ना, हो सकता है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा हो, मतलब 3 के जगह पे 3 संख्या है, तो 4, 5, 10, 12, 20 भी हो सकता है दोस्तों, है ना। और याद रखिए कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कितना ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि मैं जल्द से जल्द क्या कर लूं, बना लूं। तो आप उसके लिए आपको तो ट्रिक की जरूरत है, तो वो ट्रिक आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, वो आपको हमेशा के लिए क्या रहेगा, याद रहेगा। अगर मान के चलिए अगर इसको अगर आपको कहता है माध्य निकालने के लिए, देखिए दोस्तों मैं केवल लेक्चर देने वाला हूं, आप लोग मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा बहुत कम क्वेश्चन लूंगा, आपको केवल मेरे बातों पे सही से ध्यान देना है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और स्लोली मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों अगर इसका अगर आपको माध्य कहे निकालने के लिए, क्या कहे निकालने के लिए, आपको माध्य कहे निकालने के लिए या औसत कहे निकालने के लिए, तो क्या करते होंगे आप, सभी संख्या को जोड़ते होंगे है ना, 5 + 7 + 4 और बट्टा में जितना संख्या रहता है ना, जैसे मैं 1, 2, 3 है, तो उस संख्या से आप क्या दीजिएगा, भाग दीजिएगा, यही ना। तो देखिए कितना हो जाएगा आपको, तो ये सभी संख्या से आप भाग दीजिएगा, तो इस सभी संख्या को जोड़िएगा इसमें, इससे भाग दीजिएगा, तो 7, 5, 12 और 4 = 16 और बट्टा कितना, 3। अब 3 से 16 में आप भाग दीजिएगा, जो निकलेगा आपका वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो निकलेगा ना वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि अगर यहाँ पे तो केवल 3 था, 3 अंक था, तो आप तुरंत जो है सो बना लीजिएगा, और जब यहाँ पे 3 अंक नहीं रहे, बहुत बड़ा रहे, तब आप कैसे बनाओगे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आपको अगर बोले कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या या प्रथम 10 प्राकृत संख्या या प्रथम 100 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले, तो टोटल आपको लिखना पड़ेगा है ना। मान के चलिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य कितना होगा, तो आप लिखिएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बट्टा में 1, 2, 3, 4, 5 जितना संख्या रहता है उतना बट्टा कर देते हैं, इसके बाद जोड़ के आप क्या कर देते हैं, भाग देते हैं 5 से नीचे वाले से, है ना। माध्य का मतलब क्या, सभी संख्या का जोड़ बट्टा कुल संख्या है ना, तो सभी को जोड़िएगा, तो 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5 कितना, 15 और बट्टा कितना, 5, तो इसका आंसर आपको कितना, 3 हो जाएगा, 5 + 15 है ना, इस प्रकार जो है सो निकाल लीजिएगा है ना दोस्तों। तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको कहे ना माध्य निकालने के लिए, तो आप तुरंत क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। जैसे मैं देखिए दोस्तों अगर मैं इसको अगर बोलूँगा माध्य निकालने के लिए, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर इसको अगर मैं कहूंगा यहाँ पे माध्य निकालने के लिए, 8 मैं कर दिया हूँ, देखिए दोस्तों 8 तक मैं कर दिया हूँ। अगर इसको अगर आप मुझे अगर कहिएगा माध्य निकालने के लिए, मैं तुरंत निकाल दूंगा। जैसे इसका माध्य क्या होगा जानते हैं, इसका माध्य हो जाएगा आपको 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं तुरंत क्या कर दिया, निकाल दिया। मैं कैसे निकाला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए माध्य जब ये निकालिएगा ना, तो संख्या में जो बीच में दिया रहेगा ना, वही उसका माध्य हो जाता है, बीच वाला, याद रखिए बीच वाला भी जो है सो उसका क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है। जो संख्या बीच में रहेगा ना, वही उसका क्या हो जाता है दोस्तों, माध्य हो जाता है। जैसे हम मान के चलिए कि यहाँ पे अगर मान के चलिए यहीं पे मैं ले लेता हूँ कि 4, 5 यहाँ पे 6, तो इस संख्या का माध्य कितना निकलेगा, फिक्स है कि आपको 5 निकलेगा। आप निकाल के देख लीजिए इसका कितना निकलेगा, तो 5 निकलेगा, आप देख लीजिए 6, 5, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 और बट्टा में कुल संख्या 1, 2, 3, तो देखिए 3, 5, 15 निकला कि नहीं माध्य दोस्तों। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि जो बीच में संख्या रहता है ना, वही क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है। अगर आपके मन में आप प्रश्न अवश्य उठा होगा कि यहाँ पे अगर सम था, तब जो है सो जाके एक संख्या बीच में पड़ा, और जब दो गो अगर रहेगा तब मैं कैसे माध्य निकालूंगा। मेरे कहने का मतलब अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए एक ये बात तो आप समझ गए कि बीच वाला संख्या क्या होता है, हमेशा माध्य होता है। तो दूसरा आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है, जैसे मैं यहां पे देखिए
दो तीन चार पाँच छः सात आठ यहाँ पे नौ। अब देखिए इसका अगर आप माध्य निकालिएगा, अगर इसका दोस्तों माध्य निकालिएगा तो बीच में कितना संख्या पड़ जाता है, इधर तीन और इधर तीन, बीच में तो इस बार दो पड़ जाता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, जब बीच में दो पड़ जाए तब क्या कीजिएगा, तो जब बीच में दो पड़ जाए ना तो दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे छः प्लस पाँच पड़ा है तो छः प्लस पाँच आप बट्टा में दो से आप क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए, तो छः पाँच ग्यारह अब बट्टा में दो भाग दीजिएगा, दो पंचे दस और दो पंचे दस, इसका माध्य आपका कितना निकल जाएगा, 5.5 हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये नियम आप सभी में नहीं लगा सकते हो, ये नियम आप कहाँ लगा सकते हो मैं आप लोग को बताता हूँ। ये नियम आप कहाँ लगाइएगा, जब आपको माध्य कहेगा निकालने के लिए तो जब संख्या कर्मागत रहे, कर्मागत रहे दोस्तों या प्राकृत रहे, कर्मागत रहे या प्राकृत रहे इसके बाद ही आप इस नियम को लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो। जैसे मैं सबसे पहले जो ये क्वेश्चन मैं लिया था, इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, देखिए ये कर्मागत नहीं है, पहले पाँच है सात है तब चार है, तो फिक्स है कि ये बीच वाला संख्या माध्य नहीं होगा, आप देख सकते हो। जैसे मैं सभी को जोड़िएगा तो सात पाँच बारह चार सोलह बट्टा तीन, और तीन से अगर सोलह भाग दीजिएगा तो तीन पंच पंद्रह, देखिए दशमलव में निकल जाएगा कि नहीं, लेकिन ये बीच वाला माध्य नहीं होगा। तो ये नियम जो आपको लगाना है केवल किस में लगाना है, जब संख्या कर्मागत रहे तब दोस्तों, जब संख्या क्या रहे कर्मागत रहे तब। आ एक और में आप लगा सकते हो, जैसे मैं आप लोग को बता दूँ, देखिए सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि दो लगातार सम संख्याओं का अंतर दो होता है और दो लगातार विषम संख्या का अंतर भी कितना होता है, दो होता है। जैसे मैं कि पाँच आ सात विषम संख्या है ना, तो इसके बीच में कितना का अंतर है, दो का है। चार छः सम संख्या है ना, तो इसके बीच में कितना का अंतर होता है, दो का अंतर होता है ना। तो ये तो भली भांति आप समझ गए होंगे, दो लगातार सम संख्या के बीच के अंतर भी दो होता है और दो लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी कितना होता है, दो होता है। तो जब इस प्रकार भी अगर रहे संख्या तब जाके आप ये नियम लगा सकते हो। जैसे मैं देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं ले लूँगा दो चार छः है ना आठ, और यहाँ पे ले लूँगा दस। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्या जो दिया है तो सभी में सम संख्या है और दो लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, दो होता है। तो इसके रूप में दिया है तो वो नियम मैं लगा सकता हूँ, इसका माध्य कहता है निकालने के लिए, तो इसका माध्य फिक्स है कि छः हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है छः है, तो ये छः आंसर हो जाएगा। अगर विषम भी रहे तो आप लगा सकते हो, जैसे पाँच सात नौ, इसके बाद आपको 11, इसके बाद आपको 13, जैसे मैं देखिए तो फिक्स है कि इसका माध्य निकालिएगा आप तो 9 निकलेगा, है ना। अगर एक और मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा कितना, तो 15, तो ये बीच में कौन संख्या पड़ेगा आपको, तो 11 ना, तो इन दोनों को फिर जोड़ लीजिए, 11 प्लस 9 आप बट्टा कितना 2, तो 11 ना कितना हो जाएगा 20 आप बट्टा 2, तो 2 दहन कितना 20 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये नियम आप कब लगा सकते हो, जब संख्या कर्मागत रहे, मतलब पूरे कर्मागत रहे, है ना, या आपको प्राकृत रहे, प्राकृत तो आप जानते होंगे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्राकृत कर्मागत ही पूछा जाता है, या इस प्रकार भी रहे तब, जैसे दो लगातार सम संख्या के बीच का अंतर दो होता है और दो लगातार विषम संख्या के बीच के अंतर दो होता है। अगर इस प्रकार अगर दिया रहे ना दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बताया, अगर दिया रहे इसके बाद ही जाके ये नियम आपको क्या करना है, लगाना है। नहीं तो अगर नहीं दिया रहेगा तब उस समय में आपको क्या करना है, तो सभी संख्याओं को जोड़ना है और बट्टा कुल जितना संख्या रहेगा उतना से आपको डिवाइड देके आपको आंसर निकालना है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। और आज से अगर आपको माध्य कहे निकालने के लिए ना, तो आराम से क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप माध्यक, अब अगला क्वेश्चन देखिए माध्यक का, अगर माध्यक का अगर क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो आप कैसे बनाओगे। जैसे मैं दो क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा दोस्तों, केवल आपको समझना है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लेक्चर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैं दो क्वेश्चन लिख लिया हूँ। जैसे मैं देखिए क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे दो चार तीन छः आठ सात बारह तेरह का आपको माध्यिका निकालना है या माध्यक निकालना है, आपको निकालना है ना, तो आप कैसे निकालोगे। तो मैं दो नियम मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपको जो पसंद होगा उस नियम को जो है सो आप क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर आपको माध्यक है निकालने के लिए ना, तो सबसे पहले जो संख्या अगर दिया रहेगा ना इस प्रकार, तो आपको चार गो ऑप्शन दिया रहेगा, तो मैं तो पहले मैं आप लोगों को बता दिया जो ऑप्शन सही रहेगा उसको आपको क्या करना है, चूज करना है।
तो आपको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेना है। आरोही का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, बढ़ते क्रम। और अवरोही होता है घटते क्रम। मतलब आरोही मतलब क्या, बढ़ते ही चला जाएगा, मतलब पहले छोटा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा बढ़ते हुए। अवरोही मतलब घटते, तो सबसे पहले बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, इस प्रकार घटते हुए चला जाता है, चला जाता है ना। तो आपको पहले आरोही क्रम में लिख लेना है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो आरोही क्रम में, नहीं तो आप सीधा आप लिख लीजिएगा। तो आरोही क्रम में हम लिखेंगे तो दो हो जाएगा, इसके बाद तीन, इसके बाद चार, इसके बाद कितना आपको पाँच नहीं है तो छः हो जाएगा, इसके बाद सात, इसके बाद आठ, इसके बाद नौ नहीं है, इसके बाद आपको क्या सीधा बारह, और इसके बाद क्या तेरह। देखिए यहाँ पे जो है सो मैं आरोही क्रम में मैं लिख लिया। सबसे पहले आपको क्या, कौन सा क्रम में लिख लेना है, आरोही क्रम में लिख लेना है। अब आप जो है सो पूरे संख्या को काउंटिंग कीजिएगा कि क्या है, सम है या विषम है, कितना संख्या है और वो संख्या सम है या विषम है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है, तो आठ है ना। तो यहाँ एन बराबर आप लिख लीजिए आठ है, जो कौन संख्या है आठ, जो सम संख्या है। क्या है दोस्तों, सम संख्या है। याद रखिए इस प्रकार आरोही क्रम में लिखने के बाद संख्या को आप पूरे गिन लीजिएगा, और गिनने के बाद वो संख्या सम है या विषम उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये संख्या सम है, तो जब संख्या सम रहेगा तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है n बटा टू वा, और आपको n बटा टू प्लस वन वा है ना, चर मान का माध्य, चर मान का माध्य, आप बट्टा आपको टू कर देना है। बट्टा में क्या कर देना है दोस्तों, टू कर देना है। इसी पे बैठा दीजिए आपका माध्य निकल जाएगा। आप देखिए एन कितना आठ है ना, तो आठ बटा टू आ यहाँ पे वा, आ यहाँ पे आठ बटा टू प्लस वन, आ बट्टा कितना हो जाएगा आपको, दो हो जाएगा। दिखाई देता है ना दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको, दो हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर काटिएगा तो दो चौक आठ चार, आ वा आ यहाँ पे दो चौक आठ कितना हो जाएगा पाँच, आ बट्टा में कितना आपको, दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा बट्टा में, दो। अब चारवा और पाँचवा चर मान का माध्य ना, तो चार यहाँ से गिन लीजिए कितना कहाँ पुरता है, तो यहां से गिनिएगा तो एक दो तीन चार, तो चार छः के पास पहुंचा तो छः हो गया। इसके बाद पांचवा चरमान का माध्य पांच, एक दो तीन चार पांच यहां पहुंचा, तो छः प्लस सात, अब बट्टा में कितना है आपको, दो। अब सात छः कितना हो जाएगा, तेरह हो जाएगा, बट्टा में दो से भाग दे दीजिए तो कितना निकल जाएगा, पाँच दशमलव कितना, छः दशमलव पाँच, दो छः के बारह, छः दशमलव पाँच आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये मैं फॉर्मूला द्वारा मैं आप लोगों को बताया, फॉर्मूला से मैं आप लोगों को बताया, एक बार और मैं सही से बोल देता हूँ। देखिए आरोही क्रम में लिखने के बाद मैं संख्या को मैं क्या कर लिया, गिन लिया, तो आठ हुआ। यहाँ पे लिखा यहाँ एन बराबर आठ, जो सम संख्या है ना दोस्तों, क्या है, सम संख्या है। तो फॉर्मूला आपको लगाना है एन बटा टू वा तथा एन बटा टू प्लस वन वा चरमान का माध्य है ना, एन बटा टू वा और एन बटा टू प्लस वन वा चरमान का माध्य लिखना है ना। इसके बाद एन आर था तो काटने के बाद निकला चार वा और पाँच वा, तो चार यहाँ से गिनिएगा, जो आरोही क्रम में लिए रहिएगा उसको आप गिनिएगा, चार एक दो तीन चार, यहाँ छः के पास पूरा तो छः ले लिए, प्लस पाँचवा एक दो तीन चार पाँच, सात के पास पूरा तो यहाँ पे मैं सात ले लिया, तो छः प्लस सात अब बटा दो, तो सात छः तेरह, अब बटा दो, दो से आप तेरह में क्या कर दीजिएगा, डिवाइड दे दीजिएगा, आपका वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसको ट्रिक से अगर आप बनाइएगा तो देखिए ये भी समझ लीजिए, अगर आप इसको ट्रिक से बनाइएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजा लेना है और इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जो संख्या आपको बीच में अगर दिखाई दे ना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मैं तीन गो इधर है, तीन गो इधर है, तो बीच में कौन कौन संख्या दिखाई देता है, छः प्लस सात, तो छः प्लस सात आप बट्टा में दो कर दीजिए तो तेरह, आप बट्टा दो आप भाग दीजिएगा तो छः दशमलव पाँच। देखिए आंसर निकल गया कि नहीं दोस्तों, देखिए ट्रिक से आप इस प्रकार क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखिए कितना ईजी था, अगर आप ट्रिक से बनाओगे तो सबसे पहले आरोही क्रम में आपको सजा लेना है ना। माध्यक अगर कहेगा निकालने के लिए तो माध्यक, माध्यक बोले या माध्यिका बोले अगर, तो आपको जो बीच में संख्या रहेगा ना उसी को जो है सो जो बीच में, तो देखिए ये बीच में छः सात था, दोनों को जोड़ के बटा दो से भाग दे दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा, जब संख्या अगर विषम रहे तब आपको कहे माध्यक निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे, तो जैसे मैं देखिए ये तो सबसे पहले इसमें भी आप आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। सबसे पहले किस में आप सजा लोगे दोस्तों, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सजाओगे तो दो, यहां पे तीन, यहां पे चारों है तो चार पांच छः सात, आपको कितना आठ नौ दस लाइने से है दोस्तों। देखिए आपको सजा लिया आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाने के बाद यहाँ पे आप काउंटिंग कीजिए कि कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ एन बराबर नौ,
जो आपको क्या है तो विषम संख्या है इस बार, है ना, क्या है विषम संख्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिए n प्लस वन बट्टा टू दोस्तों, n प्लस वन बट्टा टू। तो देखिए n कितना है आपको 9 है प्लस वन और बट्टा आपको कितना 2, तो 9 एक 10 और बट्टा 2, तो 2 पंचे कितना 10, तो यहाँ पे 5 निकला ना, तो 5 आप कहाँ तक इसमें जो है सो गिन लीजिए कहाँ जाके पूरता है, 1 2 3 4 5 यहाँ पूरा ना 5, तो आपको वही हो गया माध्यक, वही क्या हो गया दोस्तों माध्यक। देखिए इस प्रकार आप सूत्र से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं दोस्तों सूत्र से आप। इस प्रकार जब विषम रहेगा तो सूत्र आपको क्या प्रयोग करना है, n प्लस वन बट्टा टू, है ना, जो निकलेगा ना उसको आपको जो आरोही क्रम में सजाए रहेंगे वहां पे आपको काउंटिंग कर लेना है कहां तक वो जाता है। 5 निकला, 1 2 3 4 5 6 आंसर हो गया। अगर इसको शॉर्टकट में अगर बनाइएगा तो वही नियम, सबसे पहले आप आरोही क्रम में इसको सजा लेना है आपको, और जो संख्या बीच में रहेगा वही जो है सो आपका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। तो बीच में 6 है तो वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों माध्यक हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और आज से आपको माध्य माध्यिका बनाने में कभी भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला आता है दोस्तों बहुलक। देखिए जिसको अंग्रेजी में मोड कहा जाता है, बहुलक बहुत ईजी है। मान के चलिए मैं आपको अगर बोलूंगा यहाँ पे कि 2 3 2 7 2 5 4 2 6 2 8 4 का बहुलक निकाले, का क्या निकाले, बहुलक निकाले। अगर आपको कहे बहुलक निकालने के लिए, देखिए दोस्तों चाहे कितना बड़ा भी अंक क्यों नहीं हो, तो बहुलक का मतलब क्या, जो सर्वाधिक बार अगर अंक आए, सबसे अधिक बार जो अंक आए ना वही बहुलक हो जाएगा। आप याद रखिए जो सबसे अधिक बार आया हो, तो जैसे इसमें देखिए सबसे अधिक बार इसमें मैं 2 लिखा हूं, तो इसमें यही हो जाएगा आपको बहुलक, एम ओ बराबर आपको 2 आंसर हो जाएगा। तो बहुलक बहुत ईजी है, जो मतलब सबसे अधिक बार आता है ना वही दोस्तों क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और आज से आपको माध्य माध्यिका और बहुलक का क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आप तुरंत क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, अपना मन में सोच के आप क्या कर दीजिएगा तो उसका उत्तर दे दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल का फैमिली अवश्य बनिएगा दोस्तों। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप नीचे कॉमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद।